अनलॉक वन के आज आखिरी दिन पीएम शार्प शाम 4 बजे देश को संबोधित कर सकते हैं, कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक के लिए जारी हो चुकी हैं गाइडलाइंस। भारत चीन में तनाव के बीच बातचीत का दौर जारी, कोर कमांडर स्तर पर हो रही तीसरे दौर की बैठक, लद्दाख के चुशूल में भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की मीटिंग। मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई है, बता दें कि ये धमकी फोन कॉल पर दी गई। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताज लैंड्स एंड को भी ये धमकी भरा कॉल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कॉल बीती रात 12:30 बजे पाकिस्तान से किया गया है। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर, सीआरपीएफ जवान और 5 साल की बच्चे की हत्या में थे शामिल। जून में अब तक 48 आतंकियों का हुआ है खात्मा। थोड़ी देर में सीएम योगी पहुंचेंगे झांसी, मुरैटा गांव में हर घर नल का जल योजना का करेंगे शिलान्यास। परियोजना से बुंदेलखंड में पानी की कमी होगी दूर। कल हरदोई दौरे पर रह सकते हैं सीएम योगी, संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देर रात एडीएम भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे जिला महिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय से संचारी रोग के खिलाफ अभियान की कर सकते हैं शुरुआत। अनलॉक टू की गाइडलाइन जारी हो गई है, 1 जुलाई से देश भर में अनलॉक टू लागू होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम भी बंद रहेंगे। बताते चले कि हवाई सेवा और रेलवे में और छूट की तैयारी है। इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवा अगले आदेश तक बंद रहेगी। खास बात यह है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोना काल के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है, आज से स्पेशल ट्रेनों में कर सकते हैं तत्काल बुकिंग। एसी क्लास और स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एलएसी पर तनाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप में निजात की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। बैन हुए ऐप में टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी, यूसी न्यूज, न्यूज डॉग, वी चैट, विगो वीडियो समेत 59 चीनी ऐप को बैन किया गया है। बातचीत से पहले चीन का बड़ा प्रहार, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया टिकटॉक, सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर लगाया है बैन। बैन लगाए जाने के बाद टिकटॉक की तरफ से आया बयान, भारतीय कानून के हिसाब से सुरक्षा मानकों का पालन, संबंधित सरकारी अधिकारियों से हो रही बात। सत्ताईस जुलाई को भारतीय वायुसेना को मिलेगा राफेल लड़ाकू विमान, पहली खेप में मिलेंगे 6 राफेल लड़ाकू विमान, अंबाला एयरबेस पर होगी पहली तैनाती। कोरोना की दवा बनाने के दावे से पतंजलि योगपीठ पलटे, उत्तराखंड आयुष विभाग को भेजा नोटिस का जवाब, कहा इम्यूनिटी बूस्टर खांसी और बुखार की दवा बनाई गई है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के मामले में आज फिर होगी सुनवाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका, देवस्थानम बोर्ड के गठन को बताया है असंवैधानिक। दुनिया में रोजाना कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1.4 करोड़ के पार पहुंच गई है, वहीं इलाज के बाद 56,67,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, देश में कोरोना के 5,66,840 केस, देश भर में 24 घंटे में 18,522 नए केस सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई है। बताते चले कि 3,34,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, देश में 2,15,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। दिल्ली में हर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है, दिल्ली में 2,084 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर
85,161 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 26,246 केस एक्टिव हैं। बताते चले कि अब तक 2,680 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। यूपी में 24 घंटे में 685 नए केस सामने आए हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 672 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 15,506 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6,650 है। प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,831 हो गई है। बताते चलें कि 2,111 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 659 मरीजों का इलाज चल रहा है, तो वहीं 39 लोगों की अब तक राज्य में मौत हो चुकी है। देहरादून में हरीश रावत ने खत्म किया धरना। पुलिस ने राजभवन जाने से रोका था, सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे हरीश रावत। आगरा में फर्जी टीचरों पर चल रहा चाबुक। 24 फर्जी टीचरों के खिलाफ शाहगंज थाने में केस दर्ज। बीएड की फर्जी डिग्री से कर रहे थे नौकरी। सहारनपुर में जिला अस्पताल के बाहर ट्रांसफार्मर में आग लगी। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर में तेज धमाका हुआ है। ट्रांसफार्मर का उबलता गर्म तेल 3 लोगों के ऊपर गिरा। झुलसने से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर के पास ट्रैक्टर समेत कई गाड़ियों में आग लगी। अमरोहा के गजरौला इलाके में गर्मी मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई। आग लगने से हजारों मुर्गी की जलकर मौत हो गई। भट्टे की आग की चिंगारी निकलने से मुर्गी फार्म में आग लगी। बता दें कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर, महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी समेत 26 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी पर कोरोना संक्रमण काल में लागू धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है। गौरतलब है कि कल पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान तमाम कांग्रेस के लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। बहराइच के नानपारा इलाके में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश नशे के कारोबार और पशुओं की तस्करी में शामिल था। रामगांव और थाना हरदी पुलिस के संयुक्त चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। एटा के कोतवाली नगर इलाके में तालाब के किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बताएं, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह का कहना है कि तालाब किनारे महिला का शव मिला है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान है। शव की शिनाख्त की जा चुकी है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे। रामपुर में भीषण आग हादसे के बाद 1,12,00,000 रुपए के नुकसान का मुकदमा दर्ज हुआ। केमिकल गोदाम मालिक के साथ 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताते चले कि केमिकल के गोदाम में आग लगी थी। आग लगने के बाद आसपास की दुकानों और घरों में काफी नुकसान हुआ था। मोहल्ले के लोगों ने अपने नुकसान की 1,12,00,000 रुपए की तहरीर देकर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मऊ के घोसी इलाके में मामूली विवाद में जमकर लाठियां चली हैं। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बागपत के मलकपुर गांव में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर बड़ौत पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस चेकिंग के पास 2 लोगों को देखकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।
एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कोतवाली देहात इलाके में तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि मृतक शख्स अपनी मां के साथ शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। हाथरस के सहपऊ इलाके में यात्री प्रतीक्षालय में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही महिला के परिजन मौके पर पहुंच गए। महिला के शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराजगंज में कोरोना टेस्टिंग में तेजी आई है। अभी तक जिले में 5000 से ज्यादा जांच कराई जा चुकी है, जिसमें कोरोना के 168 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 129 लोग ठीक होकर कोविड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में अभी तक केवल 36 एक्टिव केस है। जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने बताया कि 75% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, जो जिले के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। हरदोई में कोरोना काल के बीच डीएम पुलकित खरे ने अनोखी पहल की है। डीएम ने डिजिटल इंडिया के तहत अब आवाम की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था, जिससे व्यवस्थाएं अस्त और व्यस्त हो गई थी। मुरादाबाद के छजलैट इलाके में बुजुर्ग महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी पक्ष पुलिस को देखते ही फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। अलीगढ़ के वरला इलाके में तेज गति से आ रहे मैक्स ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि मृतक शख्स शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने जा रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। कन्नौज में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। बच्चे का पिता तेज बुखार में बच्चे को लेकर किसी तरह अस्पताल लाया था। यहां घंटों भटकने के बाद भी बच्चे को इलाज नहीं मिल सका। इलाज के अभाव से मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अलीगढ़ में पुलिस ने गाड़ी में भैंस लाद रहे दो व्यक्तियों को दबोच लिया है। वहीं तीन आरोपी भाग जाने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी, तीन भैंस और दो भैंसा बरामद की हैं। पांचों पशुओं को आरोपियों ने चोरी किया था। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। टिहरी में पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटना या अन्य किसी भी तरह की वारदात होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचेगी। इसके लिए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने हिल पेट्रोलिंग यूनिट को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने भद्रकाली पुलिस चौकी से हिल पेट्रोलिंग यूनिट के लिए 7 नई बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देवरिया में पुलिस ने 16 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। मेहरौना बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। एक सप्ताह में करीब 1.25 करोड़ की शराब बरामद हो चुकी है। बरेली के नवाबगंज इलाके में किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना से किसान के परिवार में सनसनी फैल गई है। परिजनों के अनुसार किसान पर कई लोगों का कर्ज था, तो वहीं मामले में एसपी ग्राम ने कहा कि गृह क्लेश के चलते खुदकुशी कर ली है। प्रतापगढ़ के फतनपुर इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद है। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दो युवकों को गोली मार दी। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि एटीएम में 3 लाख जमा करने पहुंचे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के साथ बदमाशों ने लूट का प्रयास किया।